पहले हमें एक लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास शीशम की लकड़ी है तो शीशम की लकड़ी के बना सकते हैं, और नहीं तो अपनी देसी बमूल का होता है उससे भी बना सकते हैं। तो जैसे कि ये हमारी लकड़ी है, 2.25 इंची चौड़ी है और 2 इंची मोटी है। सीधा उतार लेंगे दोनों निशान को यहाँ पे। अब मेन बात आता है कि इसका हम जो क्रॉस डिग्री बोर्ड पास रंधा है छोटा, जैसे कि ये 2.25 इंची पे हमने खोद रखा है तो ये थोड़ा सा टाइट चलता है, और जितना अपना ब्लेड झुका रहेगा वो इतना इजी चलेगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे इतना खोद लेते हैं। तो इसके अंदर हम 2.25 इंची का ब्लेड लगाएंगे। ठीक है, तो 2.25 इंची के लिए क्या करना, जो भी बोलते हैं आप। तो अब ये नाप हमारा 2.25 से थोड़ा सा हल्का भारी है, और इतना रखना भी चाहिए ताकि ब्लेड आराम से अपने आ जाए। और एक निशान हमें और करना पड़ेगा 300-300 छोड़ के, जो हमारी डाट बनेगी। इसको खड्डे को निकालेंगे, अगर चौरसी से पूरा निकालेंगे तो हमें टाइम लगेगा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक ड्रिल मशीन से सीधे वाले ये स्ट्रेट गुनिया में निशान उतार देंगे, और ये भी हल्का सा अपन ड्रिल मशीन से हॉल कर लेंगे, तो ये हॉल करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। अब आपको ये वाले होल करने हैं तो ये थोड़ा सा सावधानी से करने हैं, क्योंकि ये जो हमारा टेपर है उसके हिसाब से ऐसे नहीं होना चाहिए, थोड़ा इधर रह जाएगा तो अपन चौरसी से साफ कर लेंगे। तो सावधानी से आपको होल कर लेना जैसे मैं कर रहा हूँ। ये वाले भी होल ड्रिल मशीन से निकालूंगा, जैसे इधर यहाँ पे क्रॉस ज़्यादा जा रहा है तो इतना कम रखूंगा। ये भी ट्राई करके देखता हूँ ये सक्सेस होता है कि नहीं, तो क्या है ये माल हटाने में हमारी बहुत आसानी हो जाएगी। बस अब इस माल को हम चौरसी से हटा देंगे। तो हम अब जैसे कि हमने ये खड्डा थोड़ा आधे से ज़्यादा कर लिया है, अब आपको करना एक बार में ऐसे इधर से नहीं उतारना है, नहीं तो क्या है इधर फटने का डर रहता है। तो अब इधर से इसको 1.5 फुट गहरा इसको सीधा उतार लेना है, फिर वहाँ से इसको अपन पॉइंट मिला देंगे। तो अपन इसको सीधा कर लेंगे थोड़ा सा। अब जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये हमारा माल रह गया है, तो इसको बारीकी से मतलब सावधानी से इसको एक लेवल करेंगे हम। जैसे खड्डा हमने इसको खोद लिया है और आपको नज़र आ रहा होगा इसके अंदर हल्की सी गांठ है, तो हम क्या करेंगे एक चौरसी की फाइल बनाएंगे, उससे इसको घिसेंगे। तो चौरसी की फाइल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक फाइल ले लेनी है और चौरसी में धार लगी होनी चाहिए। इसको क्या करना है, यहाँ से ऐसे रख के और इसके ऊपर से चोट मार देनी है, जैसे मैं मार रहा हूँ। तो इसके क्या है, इसके दांते निकल आएंगे जैसे आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, अब हम इसको घिसेंगे। जैसे हमने इसको अच्छी तरीके से घिस लिया है, अब आपका क्या करना है, इसके सहारे सहारे फाड़ी के लिए एक्सो ब्लेड से ही काटे आरी, क्योंकि आरी तो जाएगी नहीं इसके अंदर, तो एक्सो ब्लेड के सहारे इसके यहाँ तक काट लेंगे और एक कट लगा लेंगे यहाँ से अपन 0.5 इंची पे, तो ये फाड़ी के लिए अपना हो जाएगा। तो हम एक बार के लिए इसमें कट लगाते हैं।
जैसे एक कट हमने निकाल लिया है, अब एक कट अपन को यहाँ से इसके पीछे से टच करके और इसके सीध में रख के खाड़ी जितना क्रॉस ये भी निकाल लेना है। आपको दोनों कट ऐसे ही निकाल लें हैं, जैसे इधर काट लिया ऐसे हमें ऊपर की तरफ काट लेंगे। जैसे कि फाड़ी के हमने दोनों कट निकाल लिए हैं और अब हम एक सूत की चौरसी से इस माल को हटा देंगे जहाँ पे अपनी फाड़ी लगेगी। जैसे कि हमने इसको अच्छी तरीके से साफ कर लिया है और अब हमको ज़रूरत पड़ेगी इसकी फाटी के बनाने की, तो आपको इसके अंदर अंदर का साइज़ के हिसाब से आपको एक लकड़ी काट लेनी है और मोटाई में रख लेनी है 5 सूत। ये मेरे 5 सूत है, तो अब हम इसके फाटी बनाएंगे। अब हमको फाटी काटने के लिए ये जो बाहर वाला निशान है यहाँ से इस पर एक निशान कर लेंगे, ये वाला, ठीक है। ऐसे इसको सीधा खींच लेंगे और अब जैसे कि हमने ये निशान किया है तो ये वाला पार्ट हम हटा देंगे। तो आर इसे काट लेते हैं इसको। देखिए हमने इस फाड़ी को काट लिया है और इसके अंदर डाल दिया है और ये अभी थोड़ा सा कम है, तो हम क्या करेंगे इसको रेजमाल के ऊपर हल्का सा घिस लेंगे। अब हमको क्या करना है, ये फाड़ी हमने काट ली है और इस फाड़ी के टच और ये डार्ट के टच करके आपको ये एक्स ब्लेड से चला देना है दोनों तरफ, तो ये अपने फाड़ी एकदम परफेक्ट बैठ जाएगी। जैसे मैं आरी से इस एक्स ब्लेड से इसको चला देता हूँ इसके सहारे सहारे। ऐसे ही पलट के आपको इधर भी एक एक्सोब्लेट चला देनी है। देखिए एकदम फ्री हो गया, दोनों तरफ निकलने से ये एकदम फ्री हो जाएगा। जैसे कि हमने इसकी फाड़ी सेट कर ली है और अब हम इसको यहाँ से थोड़ा सा क्रॉस करेंगे, आधा पौना इंची जो भी आप रखना चाहो, ठीक है। तो यहाँ से इसको क्रॉस करने से क्या होगा कि हमारा जो बुरादा है वो ऐसे इजी निकलता रहेगा। तो यहाँ से आपको आधा इंची ऐसे करके इसको टेपर कर लेना है और ये चीज़ भी ऐसे कर लेनी है, ये दोनों फाड़ी जो डार्ट है इसको भी अंदर की तरफ झुका देना है, तो आपके बुरादा बिल्कुल फंसेगा नहीं। ये जो डार्ट है इसको हम थोड़ा सा ऐसे यहाँ से ले जाके और इसको पॉइंट मिला देंगे और इस वाली को वैसे पॉइंट मिला देंगे, तो यहाँ पे जो अपने 1.25 इंची का ब्लेड लगेगा तो बुरादा पूरा का पूरा ऐसे निकले। अब जैसे हमने इसको हल्का सा राउंड कर लिया है और अब हमको ये जहाँ पे फाड़ी लगती है तो ये जो यहाँ पे ये पूरा का पूरा 3 सूत है, तो इसको क्या करेंगे इधर नीचे से इसको 1.5 सूत रखेंगे, तो ये ऐसे थोड़ा सा ऐसे रहेगा। इसको भी एक्स ब्लेड से राउंड करके राउंड टाइप में ही इसको काट लेना है अंदर तरफ। अब डार्ट को इधर ये वाला हिस्सा आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से इसको ऐसे पॉइंट मिला देना है जो अपन ने कट लगाया था। अब हम इसका फाड़ी का कट निकालेंगे, तो आपको क्या करना है ब्लेड डाल देनी है
अगर कबर डालना है वो भी डाल लेना है, और यहाँ से इसके टच करके पैन चला देनी है। अब ये निशान बचा के हम आरी से यहाँ पे कट लगा लेंगे, इधर भी लगा लेंगे। अब हम इसको हल्का सा राउंड कर लेंगे ताकि अपने यहाँ पे पकड़ने में मजबूत रहे। और आपको ये कट लगाना हो तो लगा सकते हैं। इस कट का फ़ायदा ये है कि जब अपन कोई ऐसे रखते हैं, रद्दा लगाते हैं, तो यहाँ से ऐसे अप डाउन नहीं होता है। तो ये एक लेवल में रखना है और आप अपने हिसाब से इसको कट लगा लेनी है। तो इसके थोड़ा सा ठाकुर मार लेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम एक नट बोल्ट लगाएंगे। क्या है कि यहाँ पे अपन हथौड़ी मारते हैं तो यहाँ रद्दा चोट मार मार के ख़राब हो जाता है, मतलब ऐसे फटना जैसे चांस हो जाती है। तो आपको क्या करना है, जब पास ये 2.5 सूत का बोल्ट है और 2 सूत के बिट से हम इसमें हॉल करेंगे, तो इसमें क्या है, आधा सूत ये बोल्ट रहेगा टाइट तो इसके अंदर चूड़ी बन जाएंगी। तो इसमें हॉल कर लेते हैं। और इतना बड़ा नहीं लगाना है, मैंने इसके 2 टुकड़े कर लिए हैं। तो क्या है, पहले इसके अंदर इस बड़े वाले बोल्ट से मैं चूड़ी निकालूंगा और छोटा वाला इसके अंदर वाइसर डाल के टाइट कर दूंगा। चूड़ी बना ली है, अब इसको खोल देंगे हम। छोटा वाला बोल्ट और इसके अंदर नीचे डालेंगे वाइसर और इसको कर देते हैं इसके अंदर टाइट। जैसे कि हमारा ये रंधा बन के तैयार है, अब हम इस लकड़ी के लगा के देखते हैं क्या सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आवाज आ रही है कि नहीं, मतलब सही आवाज आ रही है या कहीं से लफड़ा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप रद्दे के पीछे कवर क्यों नहीं लगाते हो। रद्दा की अगर खुदाई और ये फाचर की सेटिंग सही से होगी तो आपको यहाँ पे रद्दे के पीछे कवर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे कि देख रहे होंगे क्या आवाज़ आ रही है, अगर देखिए